अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं वली बिल्डर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम कैनन 6030 सिंपल और 6030 वाईफाई वाले प्रिंटर का ड्राइवर करना सीखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इंस्टॉल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल वली प्रिंटर को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने उसका ड्राइवर डाउनलोड करना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप कैनन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी बड़ा है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। valiprinter.com पे हम जाएंगे। सर्च में हम LBP6030 सर्च करेंगे तो हमारे पास प्रिंटर का ड्राइवर, ये प्रिंटर का ड्राइवर आ गया। ओपन करेंगे, ये डाउनलोड से हम डाउनलोड कर लेंगे। जो इधर से आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको दोनों ड्राइवर एक ही दफ़ा में आपको डाउनलोड मिल जाएंगे, मतलब अगर 32 और 64 बिट दोनों ड्राइवर इसी में हैं। लेकिन जब आप कैनन की ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे तो आपको 32 बिट और 64 बिट का ड्राइवर अलग अलग करना पड़ेगा। जिप फाइल में होगा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें दो ड्राइवर हैं, एक 32 बिट का, एक 64 है, जिसके आगे W32 लिखा हुआ है। ये 32 बिट विंडोज़ के लिए है और ये 64 बिट विंडोज़ के लिए, जिसके आगे W64 लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक टाइम विंडोज 64 बिट है तो हम इसको ओपन करेंगे। ये उसी का एक फोल्डर बना देगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें ये ड्राइवर्स हैं। अब अगर आपने वाईफाई के थ्रू इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले ये नेटवर्क टूल सेटिंग है, इसको ओपन करेंगे, ये एप्लीकेशन को यस करेंगे। अब इसमें ये तीन ऑप्शंस आ रही है हमारे पास, एक वायर्ड लैन है, वायरलेस लैन है। अगर आप हमने क्योंकि इसमें वायर्ड लैन की ऑप्शन नहीं आती, वायरलेस की आती है, तो हम वायरलेस वाला सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इधर से। अब उसमें मेरे पास दो ऑप्शन आ रही है, वो कह रहा है यस आई वांट टू कन्फिगर नेटवर्क सेटिंग, दूसरी ऑप्शन है नो आई डू नॉट कन्फिगर नेटवर्क सेटिंग। हमने क्योंकि कन्फिगर करना है तो हम उसको यस वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये इजी सेटअप पे ही नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक ये WPS के ऑप्शन है और दूसरा ये मतलब आपने मैनुअल जो उसमें देनी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। WPS बटन से ये होता है कि जो मॉडेम के ऊपर एक WPS का बटन लगा होता है, आप उसको प्रेस करके रखते हैं तो आप का जो सा प्रिंटर है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन सम टाइम ये नहीं भी कनेक्ट होता तो बेहतर यही है कि हम उसे WPS से ना करें, हम ये कर लें माई वायरलेस लैन एक्सेस पॉइंट डज नॉट हैव बीन WPS बटन सो और आई कैन नॉट फाइंड द बटन, मतलब हम मैनुअली तौर पर ना उसको अपनी सेटिंग्स देंगे। अब इधर से इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये उसमें ऑप्शन दे रहा है कि केबल को प्लग करेंगे दोनों साइडों से और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इधर सर्च करके वो मुख्तलिफ नेटवर्क दे देगा, आपने उसमें अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास आपका SSID नेम आ रहा होगा, इधर आपका नेटवर्क नेम आ जाएगा, वो सेलेक्ट करके तो आपने उसको नेक्स्ट कर देना है, तो आपका उधर प्रिंटर उससे कनेक्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट ऑप्शन आपसे ये मांगेगा, आप पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे तो आपका प्रिंटर पे जो ब्लू से कलर की लाइट हो रही होगी, पहले वो ब्लिंक कर रही होगी, उसके बाद वो स्टिल हो जाएगी, मतलब उसका मतलब होगा कि आपका प्रिंटर उससे कनेक्ट हो गया। क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर ये वाला लगा नहीं हुआ तो इसकी एक मैं अलग वीडियो वाईफाई वाले की भी बना दूंगा। अब ये प्रिंटर ड्राइवर URF2 ड्राइवर, इसमें हम ये इसको ओपन करेंगे सेटअप फाइल। अब इसमें ये तीन ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, कस्टम और USB कनेक्शन। USB कनेक्शन है अगर आपने प्रिंटर की केबल
इस ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले कभी भी नहीं लगाई, मतलब उसी प्रिंटर की ना कभी नहीं लगाई अपने लैपटॉप में, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो वो ड्राइवर इंस्टॉल होगा और फर्दर हमें एक ऑप्शन आएगी ये वाली कि अपने लैपटॉप में वो लगाएं, USB लगाएं और प्रिंटर को ऑन करें, तो वो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीजर उसका ड्राइवर खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया रीट्राई का, क्योंकि रीट्राई से भी नहीं होगा, हम इसको कैंसिल करते हैं, ओके करेंगे, इसका मैनुअल ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, दोबारा सेटअप चलाएंगे। यस, अभी हम इसको कस्टम पे क्लिक करके करेंगे, ये बोर्ड आ गई नोट सेट इधर, ये मेरे पास क्योंकि एक ही प्रिंटर अटैच है, तो मैं यही वाला अब मैं पोर्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास कोई पहले और प्रिंटर जाता है, तो आपने जो सबसे लास्ट वन आपके पास आ रही होगी ना, USB 002 या USB 003, ऐसी कोई भी ऑप्शन आ रही होगी, पोर्ट आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, प्रिंटर वगैरह से सेटअप डिफ़ॉल्ट कर लेना और नेक्स्ट करेंगे, आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। प्रिंटर इंस्टॉल हो गया, अब हम चेक भी कर लेते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर में, ये हमारा कैनन 6030 प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।